या तो बट आप अपने अल्फाज में बताइए कि एर्गोनॉमिक क्या क्या है इसमें। ओके, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी। ठीक, वेरी गुड। एर्गोनॉमिक्स मींस कि जब आप टेक्निकलिटी को, लाइक आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, लाइक आप फोन यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपको इस परफेक्शन के साथ यूज करें ताकि आपकी बॉडी पर अननेसेसरीली स्ट्रेस ना आए, आपके मस्कुलर सिस्टम पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना आए। ठीक है, तो ये पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स टू साइड ऑफ अ कॉइन है, ये साइड बाय साइड चलते दे हैं, गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। यस यस ठीक। सो एज आई सेड कि अब मैं फ्लोर उनको देती हूँ, आशिम को। गो अहेड थैंक यू सो मच। एंड यू गाइस विल सी या व्हाट शी डज। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम लोग इस सेशन में पॉस्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक मैं आपको जितना भी मुझे पता है पॉस्चर का, मैं वो आपके सामने नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगी। एक्चुअली पॉस्चर एक ऐसी चीज है, सबको पता होता है कि यस हमें करेक्ट पॉस्चर रखना है, मगर हम डेली रूटीन में इतना चीजों को यूज करने में इंडल्ज हो जाते हैं कि हम पॉस्चर को नोटिस ही नहीं करते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर मानो मैं आपको, आप सबको 2 सेकंड के लिए फ्रीज कर दूं कि लेट्स फ्रीज यू, तो आप अपने आप को नोटिस कीजिए कि आप करेक्ट पॉस्चर में बैठे हैं कि इनकरेक्ट पॉस्चर में बैठे हैं। 2 मिनट के लिए अगर आप सारे फ्रीज हैं, आप नोटिस कीजिए कि हम करेक्ट पॉस्चर में बैठे हैं कि इनकरेक्ट में बैठे हैं। 90% ऑफ अस मस्ट बी सिटिंग इन अ बैड पॉस्चर। Yeah, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका बड़प्पन है कि आप गलत पॉस्चर में बैठे हैं। ये पॉस्चर बेसिकली क्या है कि हमें इसलिए इसको ध्यान रखना है पॉस्चर को करेक्ट करने का, क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मसल्स जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज करना शुरू कर देती हैं, वो और ज्यादा टाइट होनी शुरू कर देती हैं। अगर हमने शुरू से ही गलत पोस्चर अपनाया है तो वो उसी हिसाब से मोल्ड हो जाएंगी और आपको अननेसेसरी मसल पेन, जॉइंट पेन, इवन आपका बैलेंस भी इफेक्ट कर देंगी, और बैलेंस अफेक्ट हुआ यानी कि टेंडेंसी टू फॉल बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें पॉस्चर को ध्यान रखना है। अगर मैं सबसे पहले एक बहुत ही जो डेली यूज का है मोबाइल, अगर मैं कहूँ आप सब मोबाइल यूज करके मुझे दिखाइए आप कैसे यूज करते हैं, तो आप प्लीज बताइए आप लोग कैसे यूज करते हैं मोबाइल को। ऐसे ही मैं वैसे ही करती हूँ। नहीं, एक प्रॉपर पोस्ट हम क्या करते हैं, अगर आपने बस में देखा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखा होगा, आसपास अपने ही बच्चों को देखा होगा, तो वो ऐसे यूज करते या हम ना, भी करते हैं। ऐसे ही करते हैं। मगर एक्चुअली क्या है, हम ये भूल जाते हैं कि इसका जो स्ट्रेस है वो हमारी नेक ले रही है ना। एक्चुअल पोस्चर क्या होता है मोबाइल को यूज करने का, आपने क्या करना है मुझे बता दीजिएगा कि मैं ठीक नजर आ रही हूँ या नहीं। मैं आपको साइड में दिखाती हूँ कि आपकी जो ये एल्बो, आर्म और एल्बो है, वो बॉडी के साथ रहेगी, और आपका ये जो लेवल है वो आपकी आई के लेवल पर आना चाहिए। तो लगेगा कि ये बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है, मेरा हाथ तो थक जाएगा, मगर आपकी नेक बच जाएगी। ओके, तो आपने इस तरीके से यूज करना शुरू करना है। अपने बच्चों को भी ये हैबिट ना इनकलकेट कर दीजिए कि करेक्ट पोस्चर में यूज करना शुरू कर दें, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए उनकी नेक जो है वो इफेक्ट ना हो। क्योंकि लगता है हमने तो 5-10 मिनट फोन यूज किया, गलत पोस्चर में किया, तो क्या हुआ, 5-10 मिनट की तो बात थी, बट नहीं, वो डेली बेसिस पर अगर आप वो 5-10 मिनट एड ऑन करें तो आपकी नेक बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है। वही है अगर लेडीज का क्या है, किचन में कुकिंग कर रही है, कान ऐसे लगा दिया और कुकिंग करने लगे, राइट, 2 मिनट में मेरी नेक को कुछ नहीं होने वाला, मगर आप उस 2-2 मिनट को आप कंपाइल करें तो आपकी नेक को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो दो चीजें आप गांठ बांध लें कि एक तो जो मोबाइल का लेवल है वो आपके आई के लेवल पर आएगा, और आपने ये वाली हैबिट छोड़ देनी है। इससे आपकी नेक बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है इस चीज से। ओके,
तीसरी चीज जो मैं बताऊंगी कि जैसे हमने लास्ट वेडनेसडे वाले सेशन में डिस्कस किया था, लाइक हम लोग सबके व्यू पॉइंट्स ले रहे थे कि लॉकडाउन में किसने क्या किया. लोगों ने कहा कि मैंने कुकिंग बहुत ज्यादा करी, मैंने नेटफ्लिक्स में सेशंस सीरीज बहुत देखी. बट उसमें आपने क्या अपने पोस्चर का ध्यान रखा? कुकिंग हम लंबे आवर्स तक करते रहे, क्या हमने उस टाइम देखा मेरी नेक कितनी बेंड हो रही थी? वो नेक कभी याद आती है? जब 3-4 घंटे की कुकिंग के बाद जब हम बैठते हैं ना, ओहो आज तो गर्दन दर्द हो गई. अगर आपने उस टाइम नेक को ठीक रखा होता तो वो दर्द नहीं होता. आप क्या कर सकते हो कुकिंग करते वक्त? आपने जो कटिंग एंड चॉपिंग का काम है वो आप टेबल चेयर पर आकर कर लो, है ना? चेयर इस हिसाब से रखो, जो आपका टेबल है वो आपके चेस्ट लेवल तक आए, और फिर आप कटिंग और चॉपिंग करो. इससे आपकी नेक बच जाएगी. नेक्स्ट क्या है? नेक बहुत छोटी सी चीज लगती है बट ये बहुत डेलिकेट पार्ट है. आपकी जब नेक स्टिफ होने लगती है, धीरे धीरे वो आपके शोल्डर्स को इफेक्ट करती है. धीरे धीरे आपको फील होता है कि मेरे हाथ में पता नहीं क्यों नंबनेस सी आ रही है, बहुत पेन रहता है, कमजोरी फील होती है, नंबनेस या पेन रेडिएट करता है. ये सबका रूट कॉज है आपका पॉस्चर. नेक इज द ओनली लाइक पार्ट ऑफ द बॉडी जो पॉस्चर से सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है. और वंस आपकी नेक अफेक्ट हो गई तो आपकी पूरी स्पाइन इफेक्ट हो जाएगी, पूरी स्पाइन इन्वॉल्व हो जाएगी. चाहे वो आप लो बैक ले लो, अपर बैक ले लो या नेक ले लो, तो आपको अपना पॉस्चर जरूर जरूर जो है ना करेक्ट करके रखना है. छोटी छोटी चीजें, इवन हम ये देखते हैं कि हम चेयर पे उठने बैठने का भी एक तरीका है. सी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. आप मुझे बताइएगा प्लीज कि आप मैं विजिबल हूँ या नहीं. सबसे पहले जो ये कुशन है ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है. आपने जब भी चेयर पे बैठना है आपने कुशन को जरूर रखना है. इससे क्या होगा, आपकी जो बैक है प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगी. ठेठ हो जी कुशन यस नहीं यूज कर सकते, आप टॉवल रोल करके रख लो. इससे क्या होगा, आपकी जो बैक है इट विल बी फोर्स्ड टू बी इन अलाइनमेंट. एक प्रॉपर अलाइनमेंट में फोर्स आएगा, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगी. बेसिकली आपने अपनी बैक सीधी रखनी है और चिन को टक इन करके रखना. चिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. हम अश्विन, क्या जैसे मैं बैठती हूँ जी एग्जैक्टली इवन आजकल कार सीट के लिए भी बैक रेस्ट आने लग गए हैं, जिससे आपकी बैक जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में रहती है. स्ट्रेट हो जाती है। जी. दूसरी चीज है कि हम लोग जब भी कंप्यूटर देख रहे होते हैं, अगर मैं आपको अपना साइड वाला एंगल दिखाऊं तो हम ऐसे 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 हो जाते हैं. 2 मिनट के लिए ठीक हुए, फिर वो ऐसे 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 ना स्लाउच होते चले जाते हैं. आपने देखा होगा जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं या जो लोग रीडिंग ज्यादा करते हैं या ज्यादा उनको लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करना होता है, उनकी जो शोल्डर्स हैं वो हंच होने शुरू हो जाते हैं, है ना? 2-3 घंटे आप लैपटॉप पे बैठे, उसके बाद उठे आपको सोरनेस कि यहाँ पेन क्यों आ रहा है. अगर आपने अपने नेक को अपनी चिन को प्रॉपर पोस्चर में रखा होता तो ये आप उसका बस 5 या 10% ही फील करते. तो आपने चिन को कैसे टक इन करके रखना है ये चीज, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ साथ ताकि आपको रहे कि कैसे करना है. चिन पोक आउट नहीं होनी चाहिए, चिन टक इन होनी चाहिए. ना ये दो चीजें हैं, लाइक ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो, इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड एंड टक. जब आप इसको टक इन करोगे तो आपको बैक ऑफ द नेक स्ट्रेच फील होगा. वो स्ट्रेच इसलिए आ रहा है कि आपकी बैक की मसल्स कितनी टाइट हो चुकी हैं आपकी ना, गलत पॉस्चर की वजह से. आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए आपको कितना इफेक्टिव लगता है या कैसे लगता है कि कुछ स्ट्रेच आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है किस चीज़? ना चिन टकिंग करिए. और यस ये टाइटनेस की वजह से आ रहा है. शुरू में आप कॉन्शियसली करिए, दिन में जब भी बैठे हैं आप चिन को टकिंग कीजिए 10 काउंट्स तक. 1 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स. फिर टकिंग कीजिए, थोड़ी डबल चिन आएगी बट इट्स ओके, आप उसको टक इन कीजिए. बहुत जरूरी है, हम इस चीज को बहुत इग्नोर करके रखते हैं, इसलिए हमारी नेक, अपर नेक बेसिकली इफेक्ट सबसे ज्यादा होती है. लोगों को हेडेक भी 30-40% जो हेडेक का रीजन वो बैड पोस्चर है. हमें लगता है कि माइग्रेन ना हो गया हो, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या कुछ भी, बट एक्चुअल कॉज क्या है, आपका बैड पोस्चर. आपने क्या करके रखा है, चिन को टक इन करने की प्रैक्टिस करनी है. शुरू शुरू में कॉन्शियसली कीजिए, फिर जब आपकी आदत हो जाएगी अपनी नेक को सीधा रखने की तो इट्स डन, लाइक इट, गुड टू गो. हाँ जी सर, म्यूटेड है, अनम्यूट करें. हाँ जी, आवाज आ रही. जी 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 व्हाट आई मीन, ऐसे रखना है सर. मैं आपको ना साइड व्यू दिखाती हूँ. ये जैसे हमारा फ्लोर है, पैरेलल टू द फ्लोर ना, आपने इसको अंदर की तरफ लेके जाना है. कितनी दफा मैम? आप ये जितना मर्जी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के साथ हिसाब से कर सकते हैं. शुरू में आप 10 रेपिटेशंस के साथ शुरू कीजिए, लाइक होल्ड कीजिए 10 काउंट्स तक, फिर रिलैक्स, होल्ड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स. धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आने लगेगी. क्योंकि ज्यादा टाइम अब हम लोगों का जूम पे होता है, सब लोग कंप्यूटर पे ज्यादा होते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. ये तो मैं लिख के पॉइंट्स भी लगा लेती हूँ. Yeah, me too. 12 दिन तो हम लोग इसी पे होते हैं. जी, तो चेन को टक इन करके रखना है. दूसरी चीज, अगर ये आप लोगों को पक्का हो गई हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ. शोल्डर को डिप्रेस करके रखना है. शोल्डर का जो डिप्रेशन है वो आपको खुश रखेगा. शोल्डर को हाइक नहीं करना है. आप देखोगे बहुत सारे लोग जो ना वो इस तरीके से होते हैं, उनकी आदत बन जाती है. अगर आपके शोल्डर्स टाइट हैं तो आपको सरप्राइज होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है. शोल्डर्स को बिल्कुल डिप्रेस करके और बैकवर्ड ऐसे रखना. फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, चिन को टक इन कीजिए, शोल्डर्स को डिप्रेस कीजिए और बैकवर्ड लेके जाइए. देन यू विल फील, आपको आगे वाली मसल्स में ना स्ट्रेच आएगा. प्लीज एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, ट्राई करके देखिए कि मतलब लाइक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ. यस, आता है. हाँ जी, आता है ना. ये हमारी यहाँ की मसल्स टाइट हो गई ना, हम ऐसे करके रखते हैं सारा टाइम. तो आप शोल्डर को डिप्रेस करो और पीछे करो. ये चीज भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे जैसे हमारे शोल्डर ऊपर उठते जाएंगे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, लंग्स की जो एयर लेने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी. हमें एक चीज आप क्या कर सकते हो, चेयर पे बैठे हो आप, अपने हाथों को अपनी थाई के नीचे रख के देखो और अपनी बैक को सीधा करके देखो आपको कितना स्ट्रेच आएगा. किसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है इस शोल्डर के इस एरिया में, जब आप अपने थाइस के नीचे हाथ रख रहे हैं और अपनी कमर को सीधा रख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हैं, तो आपको कितना स्ट्रेच आ रहा है आर्म्स में या इस अपर दिस एरिया में, कितना स्ट्रेच आ रहा है? पर मैंने या लोअर में आ रहा है. हाँ, ये आपकी नर्व्स जो है ना वो मसल टाइटनेस की वजह से एंट्रैप हो रही है. जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो वो रिलीज हो रही है, आराम आ रहा है आपको. ये चीज भी अपने रूटीन में डाल लीजिए कि आपने जब भी बैठना है 5-10 मिनट अपने हाथों को थाई के नीचे रखा, कमर को सीधा रखा, चिन को टक इन किया,
एंड दिस, धीरे से रिलैक्स हुए, फिर ऐसे किया, इससे आपकी मसल्स खुलेंगी, नर्व्स खुलेंगी। अब तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी मैम। ये कितनी देर तक, लेट्स से 10 मिनट्स? आप बेसिकली क्या होता है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतना टाइम ही करना है। बस ये होता है कि शुरू में मसल्स को आदत नहीं होती, तो हम कहते हैं कि आप एक एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट कीजिए, या एक चीज को, एक पोस्टरल करेक्शन को 5 बार रिपीट कीजिए, 10-10 काउंट्स तक। 10 काउंट मतलब आप बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। रिलैक्सेशन होना चाहिए 2 काउंट्स का, और फिर आप दोबारा कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 काउंट्स का रिलैक्स एंड देन रिपीट। या 5 बार इन 1 go करो, फिर 4 घंटे का रेस्ट करके या 4 घंटे आप दूसरा काम करके फिर एक बार उसको रिपीट कर लो। शुरू में थोड़ा आपको कॉन्शियसली, बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा। हाँ, और कोई भी मूवमेंट जर्की ना करना, कोई कोई जर्क वाली मूवमेंट ना हो, कि आप अपने ही ऑब्जर्वेशन में करेंगे, किसी और की सुपरविजन में नहीं करेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी कोई भी मूवमेंट जर्की ना हो। इट शुड बी स्मूथ एंड ईजी, लाइक फर्स्ट। हाँ जी मैम। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन इट हर्ट योर बैक, लोअर बैक? इफ आई हैव अ लोअर बैक प्रॉब्लम, दिस पोस्चर विल हेल्प मी टू रिकवर माय लोअर बैक, और इट विल इंक्रीज माय लोअर बैक पेन? एक्चुअली क्या है कि 100% मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी बैक पेन ठीक हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है बैक पेन आपकी किसी और वजह से रही हो। आपका अगर आप बताएं कि किस रीजन से रही है बैक पेन? मुझे टिल मार्च आई हैव नो इशू व्हाटसोएवर, आई वाज वेरी एक्टिव, आई एम and I used to do lots of things, but it happened in end of March. I picked up, it's my stupidity that what I did, I not supposed to lift so much, and I took it downstairs, and which I hurt my back, the lower back, one side of lower back. It has improved a lot. I do lots of exercise, keep myself yoga 1.5 hours 4 times a week. But the still, I don't want to aggravate again my back. That's the only reason. And I know my posture is very wrong, very wrong. Yeah. And I take it for granted. When I sit, I relax like that. I don't care for my neck. Though I do my exercises, neck exercise. But to tuck in your neck and things like that, I have to do it because I'm... I should be, because I will start something else too, because my age and, you know, things I should be taking care of. It's very important. मैं सिर्फ एडवाइस कर रही हूँ, ये आप या तो किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके आप उसको अडॉप्ट करो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक में ज्यादा इशू है। अब तो इशू इतना है नहीं, बट अगेन आई डोंट वॉन्ट टू एग्रीवेट, यू नो वट आई डिड योगा एंड आई डिड सम सूरज नमस्कार एंड वट एवर एंड माई 2 days आई वॉज रियली नॉट इन वॉज इन पेन, बट देन टूडे आई जस्ट टुक इट वेरी लाइटली, आई डिडन्ट डू आई डिड योगा बट आई डिड मोर मेडिटेशन देन योगा एंड आई विद माई arms I was okay, but the back I didn't do any activity that will aggravate my back. जी जी जी, ये सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपके ऊपर कोई स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आने वाला कि मैंने कहा चिन टक इन कीजिए तो आपकी बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। इट्स जस्ट पोस्चरल करेक्शन, इसे हम पोस्चरल करेक्शन का नाम देते हैं। तो आप शुरू में करके देखिए, अगर आपको लगता है इफेक्टिव है, आपकी बैक पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, देन यू कैन गो अहेड विद दिस ना। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी 19-20 आपको पेन लग रहा है, तो आप देयर एंड देन छोड़ सकते हैं। जी थैंक्स। या नेक्स्ट है, किसी और को कोई डाउट है? या मैं एक बार रिपीट करूं, मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई, चिन टक इन, शोल्डर डिप्रेस एंड बैकवर्ड, और तीसरी चीज मैंने बताई आप अपने हाथों को थाइस के नीचे रखिए, बैक को सीधा रखिए एंड फील द स्ट्रेच।
ओके हाँ जी यार, रात को बाजू ऐसे करके सोते हैं तो कई दफा बांह सुती रहती है, दर्द भी होता है, नेक में भी दर्द होने लग जाता है, ये तकलीफ काफी रहती है। सराहना एक लिए तो भी ठीक नहीं आता, जो दो लेते हैं तो ज्यादा उच्चा हो जाता है। जी 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 प्रॉब्लम आती है, नेक दे कई है प्रॉब्लम, जो आपने काफी कुछ दसिया है तो इसके बारे में मतलब ठीक रहे इसके लिए क्या क्या। एक तो आप बाजू वाली आदत नहीं हट रही है ऐसे करके सोना, रात को सोने के नीचे बाजू करना, फिर सराहना, फिर सिर रखना, जी 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 बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या ना, हमने बहुत पहले से नेक पर ध्यान नहीं दिया, उस टाइम तो लगा कि यार 2 मिनट का ही तो है या इससे क्या दिक्कत हो रही है, मगर धीरे धीरे वो बढ़कर एक्चुअली यही वो सर्वाइकल का रूप ले लेती है कि हमारे नेक में पेन आना शुरू हो जाता है, हमारे हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। ये यही मतलब मेरी एडवाइस है कि आप खुद भी इस चीज को अपने हैबिट बनाइए, इन सब चीजों को पोस्चर करेक्ट करना, और अपने घर में जो भी है आपके फैमिली मेंबर, बच्चे हैं या जो भी आपके स्पाउस, उन सबको बताइए कि पोस्चर को करेक्ट रखना बहुत जरूरी है। इवन अगर इस टाइम में मैं आपको कहूँ ना, आप नजर घुमा के देखिए आपके फैमिली मेंबर्स, या जब भी आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ बैठे हो तो आप नोटिस करेंगे 90% उनमें से ना गलत पोस्चर में ही बैठे होंगे, वो आईपैड या फोन के अंदर ऐसे घुसे होंगे, टीवी को ऐसे देख रहे होंगे, बुक को लेट कर रीड कर रहे होंगे। बेड को हम सोने के लिए यूज नहीं करते, हम उसको अपना ना मल्टीपर्पज यूज करते हैं, उसी पे बैठ के ऐसे लेट गए, स्लाउचिंग हो गए, खाना वही खा रहे हैं, बुक ऐसे रीड कर रहे हैं, और समझ तब लगती है जब वो हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो चुकी होती है। हाँ जी हाँ। तो मेरा मतलब मेरे को यही रहता है कि मैं ना लोगों को बताऊं ये चीज को, प्लीज अवेयर हो जाइए इससे पहले कि वो चीज बहुत बढ़ जाए, उसको जैसे निप इन द बड कर दो उसको ना, छोटे में ही उसको ठीक कर लो। एक रात को फोन बड़ा वर्त्या जंदा हैगा, क्योंकि कब नींद घट आती है या इंडिया फोन बुला ले या होर, और एक नई बीमारी टिकटॉक चली हुई है कोरोना के साथ। जी 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 कोरोना के साथ तो टिकटॉक चली हुई है, और इस करके फोन बड़ा फड़ना पैंदा, कई बार बाजी थक जाती है डिग पैंदा फोन। जी 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 आपने फोन का नाम लिया तो मुझे एक चीज और है, मैं एक चीज और एडवाइस करना चाहूंगी कि फोन की बैटरी जो है ना वो ऑप्टिमम रखा करो, मतलब फुल रखा करिए। अभी आपकी जो फोन की बैटरी 90% से कम होती है ना, तो उसके अंदर जो भी रेडिएशंस हैं जो रिलीज होते हैं उसका लेवल बहुत 100-200 गुना बढ़ जाता है। तो कभी भी जब आपके फोन की बैटरी कम हो उसको बिल्कुल यूज ना करिए, कॉल अटेंड करने में तो बिल्कुल यूज ना करिए। हमने यहाँ भी तार लगा रखी है और बेड पे भी लगा रखी है, ठीक है। और बेस्ट है कि आप या तो ब्लूटूथ यूज करिए या फिर हेडफोन यूज कीजिए। अच्छा अच्छा हाँ, फिर पकड़ना नहीं पड़ता, पर देखना तो फोन पे ही होता है ना। ठीक है, देखना तो फोन पे होता है। शेर सिंह जी, अगर आपका हाथ थक जाता है ना सर के नीचे रख के, तो उसका एक सिंपल इलाज है, आप हाथ ना रखा करें सर के नीचे। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, काफी हद तक ठीक हो गया, हटाई आदत काफी, वैसे अभी भी है जब कि तो अपने आप ही आ जाता है, मैं नहीं रखता, मैं दूर रखता हूँ तो अपने आप हाथ को पता नहीं कैसे पता लग चलता है मैं यहाँ जाना है। उसको प्यार से समझाएं। हाँ जी हाँ जी सुमिना जी, सो स्वीट, बहुत अच्छा। आशिम आप स्लीप पोस्चर भी बताओगे प्लीज बाद में? जी 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 बिल्कुल। अच्छा तो मेरा क्वेश्चन उसी के बारे में था कि ये कई दफा मैं सुनती हूँ कि सोते वक्त अगर करवट से जो सोते हैं तो लेफ्ट बेटर है। जी 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 लेफ्ट इसलिए बेटर है क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो लेफ्ट साइड होता है। अच्छा। हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड है। राइट। तो हार्ट पंप करता है ब्लड को, और स्टमक में आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टमक से ही स्टार्ट होता है सारे। राइट। जो है वो स्टमक में, तो उसे क्या होता है ब्लड फ्लो आराम से लेफ्ट साइड हो जाता है।
और खास करके जब आपने खाना खाया हुआ और आपको सोने की इच्छा हो रही हो ना कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, तो लेफ्ट करवट लेके सोएंगे ना, आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कोई हार्ट बर्न या एसिडिटी भी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इवन प्रेग्नेंट लेडीज को भी सजेस्ट किया जाता है कि बेटर यू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड, थैंक यू. नो प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन का यूज. आप देखेंगे मैंने भी लैपटॉप के नीचे ये रखा, मोटी बुक रखी है मेरे लेवल तक आने के लिए. क्या होता है कि लैपटॉप हम नीचे रखते हैं टेबल पे, फिर हमें ऐसे झुकना पड़ता है, हम धीरे 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 ऐसे हो जाते हैं, फिर वही हमारी चिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. चिन को तो हमने कंट्रोल रखना ही है, उसको पीछे पुश करके रखना है. तो हमारा जो आई का लेवल है और स्क्रीन का लेवल है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. अब अपनी स्क्रीन के नीचे पिल्लो रख लीजिए, मोटी बुक्स रख लीजिए या कोई बॉक्स रख लीजिए, ताकि आपके जो स्क्रीन का लेवल है आपके आई लेवल तक आए. और जैसे उज्मा जी हैं या कोई भी जो भी प्रोफेशनल्स जो लैपटॉप के कीबोर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा उनकी ना रिस्ट में पेन होना शुरू हो गया है या नंबनेस आनी शुरू हो गई है. उसका रीजन क्या है कि आप ये वाली एक्टिविटी करते हो ना, ऐसे ऐसे टाइप करते हो ऐसे ऐसे, तो उसको अवॉइड करो. लैपटॉप अगर आपको यूज करना है तो उसके साथ एक एडिशनल आप कीबोर्ड यूज करो, ताकि आपका लैपटॉप आपके आई के लेवल पर आए. और आपके लोअर लेवल पे लाइक हाथ के लेवल पे जिसमें आर्म और फोर आर्म 90 डिग्रीज पर है, अगर आप 90 डिग्री से नीचे जाएंगे 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो आपको एडवर्स इफेक्ट आएगा आपके एल्बो की मसल्स पे. आपने सुना होगा लोगों को टेनिस एल्बो हो जाती है, है ना, गोल्फर्स एल्बो हो जाती है. उस चीज को अवॉइड करने का ये तरीका है कि जब भी आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड का लेवल ऐसे होना चाहिए कि आपकी आर्म और फोर आर्म 90 डिग्रीज पे हो. और आप अपना जो माउस है उसके नीचे एक कुशन वाला माउस पैड यूज कीजिए. क्या होगा, आपकी रिस्ट जो है वो उस माउस पैड के कुशन पर होगी, रिलैक्स होगी, फिर आप अपने हाथ से माउस को यूज कर सकते हैं. ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इससे आपका सो कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम या जो हाथों में नंबनेस आना आता है, झंझनाहट आना है, वो अवॉइड होगा. उसके लिए एक लाइक इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप एर्गोनॉमिकली आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपर पोस्चर पोजीशन पे रखो, आई लेवल पर लेकर आओ. सेपरेट अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो सेपरेट कीबोर्ड रखो, लैपटॉप की स्क्रीन आपके आई लेवल पे हो और आपका कीबोर्ड जो है इस तरीके से प्लेस्ड हो कि आपकी आर्म और फोर आर्म 90 डिग्रीज पर है. और आप अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो माउस के नीचे माउस पैड यूज करो कुशन वाला, ताकि आपका रिस्ट रेस्ट करे और बाकी आप हाथ यूज करो. कीबोर्ड अलग से और माउस अलग से, आई फाइंड कि उसका ट्रैक पैड यूज करने में वो जो एंगल आप बोल रहे हो वो नहीं बन पाता, तो जो जो लैपटॉप के ऊपर जो ट्रैक पैड है, राइट, सो सेपरेट माउस एंड अ सेपरेट कीबोर्ड इज रेकमेंडेड देन. जी जी जी, बेसिकली क्या है कि लैपटॉप की स्क्रीन आपके आई के लेवल पर होनी चाहिए, ताकि आपकी नेक को कुछ ना हो. आपने अपने आर्म और फोर आर्म को 90 डिग्री रखा, उस पर आपने कीबोर्ड यूज कर लिया और आपने अपने रिस्ट के नीचे कुशन रखा इन द फॉर्म ऑफ अ माउस पैड, आपने उस माउस को इजिली यूज कर लिया. क्योंकि हमारे जो ना रिस्ट और हाथ के जो जॉइंट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी कुशन जो इनको गॉड ने जो कुशन प्रोवाइड किया ना वो भी बहुत डेलिकेट है. आपने देखा होगा लोगों के हाथ डिफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं विद द एज ना, या कुछ ऐसे टफ प्रोफेशन में होते हैं उनके हाथों की शेप चेंज होने शुरू हो जाती है. इट्स बिकॉज कि उन्होंने अपने इन बेचारे डेलिकेट से जॉइंट्स को बहुत स्ट्रेस दिया. हमने उस स्ट्रेस से बचना है, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेस से बचाना है.
जितना कोशिश हो सके उतना तो हम कर ही सकते हैं, बाकी प्रोफेशन तो अपनी जगह है. नेक्स्ट मैं बढ़ना चाहूंगी सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर पे. पैर पे बैठने का और उठने का भी एक तरीका है. और जो हमारे घरों में जो सबसे जो हमारे पोस्चर का जो दुश्मन है वो है हमारा काउच, सोफा. उसमें क्या हम धड़ाक से बैठते हैं, स्लाउचिन हो जाते हैं और हमारी पूरी स्पाइन गई खराब हो गई खराब. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने चेयर पे बैठना है और उठना है. इज इट विजिबल? या ओके. सबसे पहले यूज अ कुशन, कुशन को यूज करना है. जब आपने बैठना है आपने हैंड रेस्ट को पकड़ना है, आराम से बैठना है, नो जर्क, कोई झटका नहीं. आपकी जो थाई है पूरी इस पर आनी चाहिए सीट पर, मगर जो आपके नीज का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, नीज के पीछे का पोर्शन है, वो आपकी चेयर को टच नहीं करना चाहिए. चेयर को टच नहीं करना चाहिए. और आपके जो पैर है वो एकदम फ्लैट होने चाहिए. आपने ऐसे नहीं बैठना, आपने ऐसे बैठना. कोशिश करिए कि ये 90 डिग्री टू द ग्राउंड होना चाहिए. सी दिस एंगल 90 डिग्री एंड योर नी एट 90. ठीक है, आपके नीज पर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आएगा. अगर चेयर ऐसी है या आपकी हाइट थोड़ी छोटी है कि आपके पैर जो है वो फ्लोर पर नहीं टच कर रहे, तो आप एक स्टेपर यूज कीजिए. आपने स्टेपर रखना, मगर कोशिश ये करनी है कि आपके जो पैर हैं वो पूरे फ्लैट होने चाहिए, ग्राउंड पे पूरा टच करना चाहिए. इससे पैर की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, लेग्स रिलैक्स रहेंगी और थाइज रिलैक्स रहेंगी. अब उठने की बारी आती है. तो उठना कैसे है, आपने दोनों हैंड रेस्ट को पकड़ना है और बैक को रखना है सीधा. आपने ऐसे नहीं उठना, हम करते ना हम ऐसे उठ जाते, आपने ऐसे नहीं उठना. आपने अपनी कमर को सीधा रखना है एंड देन गेट अप. सिट डाउन, होल्ड दिस, गेट अप. ये चीज, इज इट ओके? या अब बात ये बात कि हमने एक सेकंड, मिस्टर शोरी हैज अ क्वेश्चन. जी हाँ जी सर. जब हम बैठते हैं तो क्या जो नीचे पैर हैं उनको क्रॉस करके बैठ सकते हैं या नहीं? सर क्रॉस करके हमें रिलैक्स तो बहुत मिलता है, मगर हमारे जॉइंट्स पर बहुत उसका एडवर्स इफेक्ट होता है. अगर आपको मैंने ये देखा, जब मैं क्रॉस करके बैठता हूँ रिलैक्स तो फील करता हूँ, लेकिन बैक पेन में दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद. जी 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 जी, आपकी वो मसल्स और नर्व्स पुल हो रही होती हैं, इसीलिए आप यही मतलब इसीलिए मैंने आपको वो करेक्ट पोस्चर बताया कि आपका नी और लेग का जो लाइक थाइज और लेग का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए और आपके पैर बिल्कुल फ्लोर को टच कर रहे होने चाहिए. अगर चेयर बहुत ऊंची है और या आपकी हाइट छोटी है, आपके पैर जमीन तक नहीं टच कर पा रहे, तो आप स्टेपर यूज कीजिए. क्रॉस ना करें तो बेटर है. अब ऑफिस जो लोग जाते हैं या ज्यादा सिस्टम पर बैठे होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई अब मेरे को तो मैं सारा टाइम ऐसे कैसे बैठा रहा हूँ, मेरे पैर थक जाते हैं. तो आपने क्या करना है, अपनी चेयर से दो थोड़ा सा आगे, लाइक 2 फुट आगे आपने एक स्टेपर रखना है. Okay. उस पेपर पे आपने पैर रखे, स्टेपर पर पैर रख के उनको रिलैक्स करना. अब किचन में जो लेडीज काम कर रही होती हैं, दो दो तीन तीन घंटे कुकिंग करती हैं, उनको उनके लिए क्या एडवाइस है? पहले मैंने बोला था कि अगर आपने चॉपिंग या कटिंग करनी है तो आप अपने डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, प्रॉपर पोस्चर में चॉपिंग कटिंग करो, आपका टाइम सेव हो गया, आपका पोस्चर कुछ टाइम के लिए ठीक रहा, एंड देन गो फॉर द कुकिंग. कई बार क्या करते हैं, इवन हम किचन काउंटर को भी ऊपर या नीचे शिफ्ट कराते हैं, एडजस्ट कराते हैं अपनी आपकी हाइट के हिसाब से. बट ऑलरेडी अब सबके पास घर है तो वो कैसे करेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है.
तो आप क्या करो, चॉपिंग कटिंग डाइनिंग टेबल पे आकर करो और बाकी कुकिंग पोस्चर को ठीक करके, ठीक कैसे रखना है, नेक को ज्यादा नहीं घुमाना, ये जो कड़ची घुमाने वाली जो मोशन है ना जिसमें हम कड़ची घुमा रहे होते हैं उसको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि उससे भी आपके रिस्ट पर और एल्बो पर एडवर्स इफेक्ट आता है। तो फिर क्या करें? ऐसे ऐसे नहीं करना, फिर आपने ऐसे ऐसे करना, देयर इज अ डिफरेंस। आप ऐसे ऐसे नहीं करोगे, कड़ची होती है ना ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, रिस्ट पे मूवमेंट दे रहे होते हैं, आपने रिस्ट पे मूवमेंट नहीं देना, आपने एल्बो को आगे पीछे करना है। आशिम, माँ के हाथ का प्यार ऐसे घुमा के आता है खाने में। तो फिर बेचारी माँ को फिर थोड़ा पेन भी सहन करना पड़ेगा। बाप से कहते हैं कि बनाए, माँ से नहीं। Everyone should share कि अब तुम्हारी कड़ची हिलाने का टाइम, अब तुम्हारी कड़ची हिलाने का टाइम। बिल्कुल। Okay, question. So ये जो रिस्ट की मूवमेंट है, I always thought that it's also an exercise. जब हम योगा या कुछ करते हैं, जब आपने ऐसे रखी ना, ये वाली मसल्स रिलैक्स है, आपने सिर्फ इस पर मूवमेंट दी, ये एक्सरसाइज है। मगर जब आपने ऐसे ऐसे घुमाया ना, उसमें आप देख लो ना पॉस्चर कैसे, ये चीज इट्स नॉट एक्सरसाइज, इट्स ओवर स्ट्रेस योर जॉइंट। आपने अपना खड़े होके पोस्चर को कैसे ठीक रखना, अगर आप पोस्चर करेक्शन है आपका, ये सिर जो है पूरा वॉल को टच होना चाहिए, आपके शोल्डर्स पीछे वॉल को टच होने चाहिए, आपके बम्स वॉल को टच कर रहे हैं, और आपके एंकल जो है वो वॉल को टच कर रहे हैं, हील जो है वॉल को टच कर रही है, ये मतलब अगर आप मुझे साइड से देखेंगे तो इट शुड बी लाइक दिस। देखिए चिन अपने आप टक इन हो गई जब आपने अपना सिर दीवार को लगाया, शोल्डर्स को टच किया दीवार से और हील्स को टच किया, ये आपकी पोस्चरल करेक्शन है, ये फ्रॉम तो आपकी पोस्चरल करेक्शन है। ये डाउट्स करते हुए ये पोस्चर नहीं हो सकता। सॉरी मैम, मैंने कहा कुकिंग करते हुए ये पोस्चर नहीं हो सकता। कड़ची लाए दीवार के पास भागी, आप किसी से बात करें आप तब ये पोस्चर नहीं रख सकते, अगला कहेगा इतने ऑफेंडेड, वो फील करेगा ऑफेंडेड, ऐसे करके एरोगेंस में खड़े हैं। तो जो आपका मी टाइम होता है ना, आप उसमें ये कीजिए, आप अपने पोस्चर को करें, उसमें तो लेटेंगे। जी जी जी, दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अनम्यूट करें अंकल, अनम्यूट करें। सुन नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, अभी अभी आ नहीं आएगी। हाँ अभी आ रही है। ये मैं कह रहा था कि the one she just mentioned wall के साथ में I tried many times, it is so painful because why I tried first of all that I didn't notice that during last 10-15 years it started becoming like a, getting like a hunch at the back. तो वो कुब जिसका कुब बोलते हैं, वो कुब को मैंने सीधा करने की कोशिश की तो it was really painful. Now, is it okay to still keep trying? आपको basically pain कहाँ आता है जब आप hunch मतलब ये वाली exercise करते हो? वो around my shoulder blades.
शोल्डर ब्लेड्स, तो इट्स ओके क्योंकि आप एक्चुअली क्या हंच कर करके ना, मतलब जब आपने हंच किया आपकी बॉडी उसको यूज टू हो गई तो मसल्स टाइट हो गई, मसल स्टिफ हो गई, तो जब आप उसको करेक्ट करने लगते हो तो वो मसल्स खिंचती हैं, उनकी वो आदत तो जा चुकी है, वो खिंचावट वाला पेन आता है। अगर अनबियरेबल है तो प्लीज ना कीजिए, अगर एक बियरेबल लेवल ऑफ पेन है तो आप कर सकते हैं। नहीं अनबियरेबल तो नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप कर सकते हैं। ओके थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हां जी मैम। आशु मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी चेयर पे बैठी होती हूँ और मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे पांव मैं थोड़े सीट के अंदर करके ना टोस पे होते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैंने रियलाइज किया कि बहुत रिलैक्सिंग है अगर मैं इसको फ्लैट रखूं तो। जब भी आपको लॉन्ग आवर सिटिंग्स देनी हो तो फ्लैट करके रखना। थैंक यू जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, गुड। एक चीज और, आप अपने लेक्चर के बाद हम लोगों को एक अलार्म दे दें ताकि वो घंटी बज जाए जब भी हम गलत पोज में बैठे हों, घंटी बोले ट्रेन। काश वो मैं बना पाती, वो डिवाइस बना पाती कि बॉडी में फिट करते जहां हम पोस्चरली इनकरेक्ट हो रहे हैं वो ठीक हो, मतलब हमें अलार्म मिल जाता ठीक करो ठीक करो। होते तो मां मारती पीछे से सीधा बैठ। सेशन का एक फायदा ये भी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ना अवेयर कर सकते हैं। आप लाइक घर में कोई छोटा है, आपने कभी देखा है 3 to 4 years old जो बच्चा है ना, जिसको अभी वो स्क्रीन की एडिक्शन नहीं हुई या बुक्स का बोझ नहीं आया उसके ऊपर, स्टडीज का कोई प्रेशर नहीं है, ही सिट्स सो इरेक्ट, आप उसको बिठाओगे ना वो एकदम सीधा बैठता है, दैट्स द परफेक्ट पोस्चर। वो खाना खाता है तब भी वो इधर अननेसेसरली बेंड नहीं करता, वो बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर में खाता है। भगवान ने उसको, वही बात है, भगवान ने हमें डाला तो परफेक्ट पोस्चर के साथ ही था, मगर हमारे डिवाइसेस ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें इतना खराब कर दिया है कि हम करेक्ट पोस्चर क्या होता है वो भूल चुके हैं। राइट, तो बात है बिल्कुल। क्या ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले कुछ सालों में सब कुबड़े हो जाएंगे, 20 साल के यंग बच्चे भी कुबड़े हो जाएंगे? वो तो अभी से ही होने लगे हैं। नहीं, वो कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि एक पूरी जनरेशन तैयार हो रही है जो बस यूं चलेगी। हाँ। क्योंकि वो चलते चलते भी वो कर रहे होते हैं, टेक्स्टिंग कर रहे होते हैं और देख वीडियो देख रहे होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने लेटना कहते हैं, आप जैसे आप मेंशन कर रहे थे सर कि आपको लेटते वक्त ये होता है कि आपका हाथ इधर चला जाता है ना, कईयों को लेटते वक्त पिलो सूट भी कर रहा है, हटा दो तो सूट नहीं कर रहा, बिना पिलो के भी नींद नहीं आती, विद पिलो भी नींद नहीं आती। ये प्रोफेशनल एडवाइस है, मतलब आप क्या कीजिए, एक सॉफ्ट सा टॉवल रोल करके गर्दन के नीचे लगा के रखिए। तो आप लेट रहे हैं, सीधा लेट रहे हैं, तो आपने टॉवल रोल लेना है और अपनी नेक के इस पोर्शन में, जो नेक हमारी सी बनती है, इस पोर्शन के नीचे रखना है और सीधे लेटना है। आपने सर्वाइकल पिलोज देखे, किसी ने कभी सर्वाइकल पिलो यूज किया? देखा है। आपने उसमें नोटिस किया होगा सिर्फ जो नेक के नीचे पार्ट होता है वो थिक होता है, काफी मोटा होता है, रोल रोल्ड, और बाकी फ्लैट होता है। एक्चुअली हमारी नेक जो है ना वो सी शेप की होती है, हमने इसके इस कर्वेचर को मेंटेन करना है। जहां वो फ्लैट होना शुरू हुआ इसका मतलब आपकी नेक में गड़बड़ आनी शुरू हो गई है, तब आप सीधा लेटो तो भी बेचैनी, विद पिलो लेटो तो भी बेचैनी। इस सी को मेंटेन करने का क्या है कि आपने इसके नीचे टॉवल रोल रखना है। टॉवल रोल रखो, वो कितनी थिकनेस का होगा वो आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी। like, आपने बहुत मोटा बना लिया तब भी अनकंफर्टेबल लगेगा, पतला बना लिया तब भी अनकंफर्टेबल लगेगा, और आपने एक प्रॉपर थिकनेस के हिसाब से अपनी गर्दन के नीचे रखा तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, उससे आपको आएगी नींद। ये उनके लिए जो सीधा लेटना पसंद करते हैं या जिनको सीधे में नींद आती है, और जिनको टेढ़ा लेट कर लाइक लेफ्ट या राइट साइड लेट कर नींद आती है, उन्होंने क्या करना है, आपने थिक पिलो लेना है
और इस हिसाब से लेना है कि आपका शोल्डर उस पर ना आए, सारा जो पिलो है ना सिर्फ यहाँ तक आए, लाइक एम आई क्लियर? हाँ जी मैम. What type of a pillow we should use? Hard, soft, medium? ना hard pillow अच्छा है ना soft pillow अच्छा है. मैं actually जब मैं यहाँ आई तो मैंने Costco में जितने भी pillow देखे, they are so soft, वो ना so called memory foam वाले pillow, but they are so uncomfortable. अपने जो Indian style pillow है ना firm pillow, that is the best pillow. तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जो फर्म पिलोज होते हैं ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट, फर्म पिलोज, उससे आपकी नेक की पोजीशन मेंटेन रहेगी और आपको दर्द नहीं होगा. तो वो साइड 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 पिलोज में सोने वालों के लिए आपने बताया कि इतना ठीक होना चाहिए कि कंधे से लेकर यहां आपके शोल्डर की जो ब्रेड्थ है ना सर, ये जो शोल्डर की ब्रेड्थ है, इतनी थिकनेस वाला पिलो. तो Whatever given to me, उससे हिसाब से मैं दो पिलो रख सकता हूँ? सर वो आपके पिलो की थिकनेस पे डिपेंड करता है. मैं ये कह रही हूँ ये एक बार आप ट्राई करके देखिए, ये जो अपने शोल्डर की थिकनेस है ना आपके शोल्डर की, इतना थिक पिलो हो आप उसको रखोगे, आपकी गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी. दिक्कत कब आती है? जब गर्दन अपनी पोजिशन से डेविएट होती है. जब आपने बहुत पतला पिलो रखा, आपकी गर्दन ऐसे चली गई, आपको दर्द होना शुरू हो गया. आपने बहुत मोटा पिलो रखा, आपकी गर्दन ऊपर उठ गई, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. आपको साइड पे सोते वक्त आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल आपकी अलाइनमेंट में होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए. आश्रम आई थिंक अंकल ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारी शोल्डर की जितनी ब्रेथ है वो उतने उतना बड़ा उतना थिक पिलो अगर ना हो तो क्या हम दो लगा सकते हैं? जी आप लगा सकते हैं. okay. अगर आप कंफर्टेबल है तो बिल्कुल लगा सकते हैं. सजेशन मांग रहे हैं इन फ्यूचर लोगों के लिए, सभी के लिए, कि इतना इतना अगर इफेक्ट हो रहा है, लोग गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, नीचे देखते हैं बच्चे स्कूल कॉलेज कहीं भी जहाँ सड़क पे चलते हुए भी, तो मैंने कई बार देखा है लोगों ने यहाँ पर फोन बांधा होता है अपने यहाँ पर स्ट्रैप से. अच्छा नहीं मैं कहता हूँ उससे भी थोड़ा आगे बढ़कर के अगर कुछ इस तरह का नहीं मिल सकता कि वो यहाँ पर उसका स्टैंड हो और थोड़ा सा आगे यहाँ हो ताकि वो आई लेवल भी आ जाए, दिखना भी ना पड़े. सर मैं इसी पर ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा. मैं ये पूछना चाहती थी, जो आपने बोला कि जो लोग स्ट्रेट लेटते हैं वो टॉवल रखें, तो फिर व्हाट हैपेंस टू द पिलो? बिकॉज़ लाइक जस्ट वी जस्ट सपोर्ट द नेक, हम हेड नहीं सपोर्ट करते. एक्चुअली होता है कि ये बहुत ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हर एक की अपनी अपनी बॉडी डिमांड है इस चीज को लेके. बेस्ट ये होता है कि प्रोफेशनल एडवाइस ये होती है कि आप एक टॉवल रोल लो, अपने नेक के नीचे लगाओ, बेड ने आपके शोल्डर को भी सपोर्ट कर दिया. आपकी जो टॉवल रोल की थिकनेस जो है वो इतनी होती है कि आपका जो नेक है, ये जो आपका हेड है वो भी बेड पर ही आता है. आपका हेड भी सपोर्ट हो जाता है, आपका नेक टॉवल रोल से सपोर्ट हो गया, आपका शोल्डर जो है बेड से सपोर्ट हो गया. एक दूसरा रूल ये होता है कि आप अगर आप पिल्लो यूज करना चाहते हैं, टॉवल रोल यूज नहीं करना चाहते, तो आपने इस तरीके से लेटना है पिल्लो के ऊपर कि आपके शोल्डर उसके ऊपर आने चाहिए. नेक जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, वो भी आपको कंफर्ट देती है. आपकी बॉडी को क्या सूट करता है वो डिपेंड करता है, लाइक इट डिपेंड्स. तो इट मींस कि जिस भी पोस्चर में हम सोएं, हम उस पोस्चर का ध्यान रखें जो आपने वॉल पे बताया था. सो लाइक अ बॉडी शुड बी आइडियली स्ट्रेट, आई मीन ये दिस वन एंड द सी मेंटेन्ड.
चाहे किस भी पोजीशन में हम सोएं। सोने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, दो चीजें हैं, या तो आप टॉवल रोल यूज कर सकते हैं अपने एग्जैक्ट नेक के नीचे, दूसरा है अगर आपको पिलो यूज करना है तो आप पतला पिलो यूज करो, और उसमें आपने ऐसे यूज करना है कि आपका ये जो शोल्डर है ना इसके ऊपर आना चाहिए, देख रहे हो हम यू यूज करते हैं ना पिलो, नॉर्मली हम यू यूज करते हैं, अगर आपने ऐसे यूज करना है कि आपका शोल्डर थोड़ा सा उसके ऊपर आए तो ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, मगर अगर वो चीज आपके लिए बनी है तो वो आपको सूट कर जाएगी। आपने ये दो चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखनी होगी अपने साथ कि आपको वो टॉवल रोल सूट करता है कि ये पिलो पैटर्न यूज सूट करता है, और अगर आप साइड टर्न पे सोने वाले वालों में से हैं तो आपके पिलो की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि आपका शोल्डर उस पे कवर हो जाए, ऐसे आपका हाथ ऐसे और आप ऐसे सो, राइट? जिनको बैक इशू है, बैक इशू रहता है वो सीधा लेट रहे हैं, सीधे में दिक्कत आती है, तो आप अपने पैर के नीचे पतला पिलो रखना शुरू कर दीजिए, उससे क्या आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी, आपको नींद आ जाएगी, आपकी बैक पर स्ट्रेस नहीं। अगर आप सीधे सोने वालों में से नहीं है, आप करवट लेकर सोते हैं, साइड टर्न पे सोते हैं, तो आपने क्या करना है, आपका जो आप ऐसे लेटे हुए तो आप ऊपर वाली लेग पिल्लो रखे, आप ऐसे पिल्लो रखेंगे और ऐसे आपकी ये बैक मसल जो है ना रिलैक्स हो जाए, आपको दिक्कत। इसमें किसी को डाउट है? मैंने जो समझाने की कोशिश की वो क्लियर हुआ? लाइक इज इट क्लियर? ठीक है, डाउट तो नहीं है, पीछे से डिस्टरबेंस हो रही है, डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, किसी को पीछे से मुझे भी आवाज आ रही है, तो प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। जो लास्ट वाला बताया है, जो लास्ट वाला बताया है, मुझे तो वो समझ नहीं आई। ओके मैम, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। जैसे अगर आप सीधा लेटते हैं, या आपकी प्रेफरेंस है कि आपको सीधे ही नींद आती है, मगर बैक में थोड़ा सा इशू रहता है, आपने अपनी बैक मसल्स को रिलैक्स करना है, तो आप सीधा लेट के पैरों के नीचे, घुटने से नीचे जो लोअर लेग होगी ना आपने, घुटने से नीचे जो लेग का पोर्शन है उसके नीचे आप पतला पिल्लो रखिए, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहेगा और आपकी मसल्स भी रिलैक्स। अगर आप करवट लेके सोने में इंटरेस्टेड है तो आपने अपने आप को इस तरीके से रखना है कि सपोज मैं ये बेड पर लेटी हूँ, मैं करवट में हूँ, तो आपने ऊपर वाली लेग के नीचे पिलो रख के ऐसे रिलैक्स होके सोना। इज इट क्लियर मैम? आपको क्लियर हुआ? नॉट रियली, नॉट रियली। आशी जी, जी जी मैम, I have a suggestion. हम लोग सारे जो है एक WhatsApp group create करते हैं, already Smina ने किया हुआ है, अगर उसमें सारे आ जाएं, तो आप time to time हमें ऐसी कुछ tips भेज देना, आप ऐसी कुछ visuals भेज देना जो हम लोग follow कर सकें। जैसे मोहिनी आंटी को अगर हम वो उस पर विजुअल पे दिखा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा था। आंटी जैसे हम सोते हैं, आप सीधा सोती हैं कि आप करवट पे सोती हैं? मैं करवट पे सोती हूँ। आंटी जब करवट पे हूँ तो जो आपकी ऊपर वाली लेग है, अगर उसके नीचे एक तकिया रखें, तो उस ये आप आशिम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है मैम, तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भेज दूंगी। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, जिसमें एग्जैक्टली कैसे लेटना है ना, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई लाइक टू सी। जी जी, आई एम सॉरी, मतलब ड्यू टू सम टेक्निकल कंस्ट्रेंट मैं आपको एकदम लेट के नहीं दिखा पा रही हूँ एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि घर पे सपोर्ट करने के लिए अभी मेरे घर पे और कोई मेंबर नहीं है। मैं अकेली इस टाइम वो सेशन कर रही हूँ, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल कंस्ट्रेंट है, बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है।
ओके जी 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 अभी मेरे पिटारे में इतना ही था लाइक आई वाज गोना आस्क यू मुझे था कि भाई मैं एकदम से बहुत ज्यादा भी होता ना कि ओवर हो गया नॉलेज का और हम एक भी पॉइंट नहीं याद रख पाए बिल्कुल बिल्कुल नहीं बहुत मैं बस यही आपसे पूछने वाली थी कि ये आज का जो है कंक्लूजन जी कंक्लूड होता है जी 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 नहीं दैट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया क्योंकि हम वैसे तो मैं एंड आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस मंच के अभी तो हंगर तो है जी 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 जो आपके दूसरे जो आपके गुर हैं उसको उसके बारे में शेयर करने का तो ठीक है फिर हमें दोबारा और जो आपका आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हर चीज एक ही उसमें रखे तो वो शायद उतना इफेक्टिव ना होता सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई थिंक कि सब लोगों को बहुत कुछ आज मैं myself आपके उसके बाद फिर मैं अपना तकिया उठा के लाई हूँ थैंक यू सो मच और मेरे लिए ग्रैंड सक्सेस है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपने जो कहा ना कि मैं इमीडिएटली पिलो लेकर आई थैंक यू सो मच बिकॉज हम रियलाइज नहीं करते ना लाइक बरसों से उसी तरह कर रहे होते हैं और कभी ज्यादा करके क्या होता है कि जब डाइनिंग टेबल पे काम करने का जो मजा आता है वो डेस्क पे इतना नहीं आता ठीक है कर लेते हैं बट आई प्रिफर दिस कि यहाँ लाइट बहुत है ये है वो है बट दिस चेयर इज नॉट गुड फॉर वर्किंग कि कई कई घंटे हम काम करें सो दैट इज रियली हेल्पिंग मी और वो जो क्योंकि मैं आई एम लाइक 3 foot नथिंग सो मेरे तो पाँव कभी कभी चेयर पे बैठती हूँ तो मेरे पाँव तो जमीन पे फ्लैट नहीं आते हैं ठीक तो वही मैंने बोला कि आप एक स्टेपर रख लीजिए नीचे एक बॉक्स रख लीजिए जो आप ना नहीं वो स्टेपर तो मैं अब आइकिया की बहुत बिक्री होने वाली है मैं बहुत सारे लोगों को बताऊंगी जी मुझे ये टॉपिक इतना मतलब आई क्रेव फॉर दिस टॉपिक मुझे लगता है मुझे जो भी मिल रहा है ना मैं उसको एक दो पोस्टुरल एडवाइस तो दे ही दूं I can see that. I can feel it. कि ये आपका passion है. मैं बच्चों को पार्क में लेके जाती हूँ तो मुझे लगता है एक दो लेडीज मिल रहे हैं मैं उनको postural advice दे देती हूँ आप ऐसे क्यों नहीं खड़े होते आप थोड़ा ऐसे क्यों नहीं खड़े वो मुझे लगता है कि वो मुझे पागल समझेंगे but it's like मुझे लगता है कि जो मैं थोड़ा सा भी ना किसी को बता सकूँ तो मैं बता दूँ कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ ही जानी चाहिए मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि यंग जनरेशन को तो ना जो लाइक अपने 20s में है उनको तो प्लीज आप जरूर बताइए क्योंकि उनकी अभी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल है पोस्चर अभी बहुत परफेक्ट है इससे पहले कि वो लैपटॉप और स्क्रीन के वर्ल्ड में अपने आप को रुइन कर दे अपने पोस्चर को खराब कर दे थोड़ा सा अवेयर कर दें कि आप कुछ नहीं करना है चिन टक इन करनी है शोल्डर डिप्रेस करने हैं शोल्डर बैक है बस ये चीज का रखनी है स्क्रीन को अपने लेवल पर लाकर रखना है और हाथों की अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करनी है